दौड़ने के पहले सभी को चलना पड़ता है, यहाँ तक कि हवाई जहाज को भी उड़ान भरने से पहले रनवे पर दौड़ लगानी ही पड़ती है, तब जाकर वह आसमान की ऊंचाइयों को छू पाता है। खेल की दुनिया में भी 8 से 12 साल तक के बच्चों को झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी सभी तरह की आधारभूत संरचना के साथ दौड़ लगाने का प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है, ताकि प्रतिभावान बच्चे खेल की दुनिया में बुलंदियों को छू सकें। साल 2016 में JSSPS सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और झारखंड सरकार की संयुक्त पहल पर रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन, 15 खेल अकादियों और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संचालन की जिम्मेवारी CCL को दी गई। कोरोना काल में 1.5 साल से ज्यादा समय से सभी तरह की राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का संचालन बाधित रहने के बावजूद JSSPS के उभरते हुए खिलाड़ियों ने कुल 765 पदक हासिल किए, जिनमें से अंडर 14 में से 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक भी शामिल हैं। JSSPS के सदस्य प्रशासन राजेश कुमार जायसवाल ने बताया कि खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना है। हमारे पास 8 से 12 साल के बच्चे जो अब बड़े हो गए, उन छोटे बच्चों को डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर हम यहाँ पर चुन कर लाए हैं। उन्हें जो सुविधा हम दे रहे हैं, सबसे पहला तो जो बच्चे जिस खेल में अच्छा कर रहे हैं, जैसे फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो, तो उनको एक अच्छा कोच दे रहे हैं। दूसरा, उनके लिए खेल का मैदान तैयार कर रहे हैं। हर खेल के लिए अलग अलग तरह का मैदान है, कुछ इंडोर है, कुछ आउटडोर है। रेस्लिंग वगैरह इंडोर में होता है, बॉक्सिंग भी इंडोर में होता है। दूसरा हुआ कोच के अलावा इक्विपमेंट, हमारा प्रयास है कि उनको अच्छा से अच्छा इक्विपमेंट दिया जाए। अभी हमारे जो तीरंदाजी आर्चरी में जो बच्चे हैं, उनको हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास का इक्विपमेंट दिया है, आप उन्हें देख भी सकते हैं प्रैक्टिस के मैदान पर। साल 2024 में पेरिस और 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना काल में जब भी स्पोर्ट्स अकादमी को बंद कर देना पड़ा, तब भी यहां प्रशिक्षण कर रहे बच्चों को हर महीने 3,000 रुपये की छात्रवृत्ति उनके खाते में उपलब्ध कराई गई। साथ ही पढ़ाई को जारी रखने के लिए सभी बच्चों को एक एक टैब उपलब्ध कराया गया और प्रशिक्षक ऑनलाइन खेल प्रशिक्षण भी देते रहे। एथलेटिक्स, कुश्ती, तीरंदाजी, ताइक्वांडो, फुटबॉल, शूटिंग, बॉक्सिंग, साइकिलिंग और शूटिंग समेत अन्य स्पर्धाओं में लड़कों और लड़कियों की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर खेल की दुनिया में आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए अपनी दौड़ लगानी शुरू कर दी है। तीरंदाजी, ताइक्वांडो, साइकिलिंग और बॉक्सिंग के प्रशिक्षकों का कहना है कि कम उम्र रहने के कारण केंद्र के कई बच्चे अंडर 14 में अब तक कई पदक जीत चुके हैं और आने वाले समय में कई स्पर्धाओं में भी इनके पदक की उम्मीद है। राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीत चुके युवा खिलाड़ियों का कहना है कि उनका लक्ष्य ओलंपिक पदक हासिल करना है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इसमें उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।